तो चलिए, काफ़ी स्टूडेंट इस समय हॉस्टल अलाट करा रहे हैं, तो UPMS सेफई इटावा, तो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होगा तो इस समय हॉस्टल अलाटमेंट हो रहा है। तो चलिए आपको रूम दिखाते हैं कि कैसे रूम, आपको रूम में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगे और आपको कौन से रूम जब मिल रहा है तो रूम में आपको क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये चीज़ है। तो चलिए हॉस्टल का पूरा आपको टूर कराते हैं और किसी फ्रेंड्स का रूम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, टॉप फ्लोर रूम है और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक है। ग्राउंड फ्लोर लेंगे तो आपका फोर्थ फ्लोर सामने से कैसे आपको शो करता है। ये कैंपस पूरा है आपका, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो ये देखिए, मैंने काफ़ी वीडियो में यहाँ से दिखाया है, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, यहाँ से आपको भी अच्छा लगेगा जब आप टॉप फ्लोर से देखेंगे। तो ये पूरा कैंपस का टूर हो गया। चलिए रूम दिखाते हैं किसी फ्रेंड्स का, कौन रूम में, जो भी रूम में होगा उसी को रूम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी एक रूम, ऐसे बगल में एक रूम मिलेगा, एक रूम बगल में मिलेगा, फिर यहाँ से हर एक फ्लोर पे फोर बाथरूम लैट्रिन रूम होते हैं, तो ये आपको पानी पीने का भी यहाँ पे सही रहता है आरओ। चलिए ये देख सकते हैं पूरा, तो ये एक रूम है एक फ्रेंड्स का है, ये रूम भी दिखा सकते हैं, लेकिन चलिए इधर दिखाते हैं पहले। और आप यहां से आप ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर्स पे जाने के लिए आपको तीन जगह से, एक फ्लोर से तीन जगह से आप जीना बना है, तीन जगह से आप जा सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सब आप ऐसे जा सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो चलिए आपको रूम दिखाते हैं और अखिलेश का रूम दिखाते हैं। तो चलिए अखिलेश का रूम में एक ओपन करते हैं। तो ये रूम है, ये देखिए रूम, और ये रूम जो है अखिलेश को अलाट हुआ है। हाँ अखिलेश, कुछ बताइए, ठीक है कि कुछ अपने रूम के बारे में बताइए जो न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, तो कुछ क्या क्या आप रूम में आपके पास क्या क्या प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और क्या चीज़ इसको अगर कोई बच्चा ले रहा है हॉस्टल तो क्या उसको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कि मतलब चीज़ क्या क्या उसको होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए बताते हैं, इस टाइप का बच्चा आपको फॉर्मेट मिलेगा, इस तरीके का आपको फॉर्मेट मिलेगा, तो इस फॉर्मेट में आपको ध्यान क्या देना है इसमें बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिलता है तो उस पर ध्यान देना है, इस तरीके का कॉलम बना होगा, ठीक है, जैसे कि इस पर लिखा है सिंगल बेड गोदरेज एक्सा, ठीक है, तो एक स्टूडेंट के लिए देखिए इस टाइप का सिंगल बेड मिलेगा, ठीक है, और उस साइड आप पीछे देख सकते हैं अलमारी मिलेगी और ये चेयर मिलेगी और एक टेबल मिलेगी इंडिविजुअल स्टूडेंट को, ठीक है। उसके बाद बात करता है मैट्रेस गोदरेज, यानी जो गद्दा होगा मैट्रेस का होगा, आपको उसको चेक करना है, कैसे चेक करना है ये बता देता हूँ। जैसे कि आप, जैसे कि बेडशीट पड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ, ओपन करना है इसको इस साइड से और फिर इस साइड से पलट करके देखना है, मतलब जैसे ओपन किनारे देखने हैं, कहीं कटे तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, ठीक है, पूरा मैट्रेस एक बार पीछे चेक करना है, एक बार फ्रंट में चेक करना, साइड में भी, अगर इस पे कट लगे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको तुरंत ही वार्डन से एप्लीकेशन, पहले मैं और भी चीज बता देता हूँ, जैसे कि मैट्रेस आपको कैसे चेक करना है वो बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देंगे, लगा देंगे इस पे। तो मेज मॉडल बोला, मेज मॉडल है वो किसका होगा, वो जैसे कि ये बता दिया मेज मॉडल। अब मेज में आपको क्या चेक करना है, मेन बात है ये फर्स्ट ड्रॉअर चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे लॉक गायब है, इसमें देखिए लॉक नहीं है, इसमें लॉक लगता है, की भी मिलती है आपको, तो इसमें की है नहीं, अगर आप ले रहे हैं कोई भी रूम और की नहीं है तो क्या करिए, आप एप्लीकेशन में जो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, इस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन देगा कि क्या क्या चीजें नहीं है, इसी चीज पे लिख के फिर उसके बाद साइन मोहर जो भी केयर टेकर का और इसका होता है, केयर टेकर का ही होगा, बाकी एप्लीकेशन आप चीफ और एप्लीकेशन एक चीफ वार्डन के नाम लिख के साइन हो जाता है, क्योंकि जब आप नोटिस कराते हैं तो फिर ये लोग प्रॉब्लम करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें गायब है, क्या क्या चीजें, भले ही चीज उनकी जानकारी में हो कि पहले से नहीं, लेकिन वो आपसे पेनल्टी ले लेंगे, पेनल्टी ले लेते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होगा। दूसरा है कुर्सी गोदरेज की, जैसे कि आप चेयर आप देख लीजिएगा डाउन साइड से आपके कहीं ओपन है और टूटी नहीं हो, ये सब चीजें आप अच्छे से देख लीजिएगा।
और नेक्स्ट आता है पंखा रेगुलेटर। पंखा रेगुलेटर ये आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें ऑन ऑफ चल रहा है कि नहीं। वैसे सभी जगह मैक्सिमम सही रहती है, कहीं 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 किसी रूम में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखेगा। वैसे तो सही है। ट्यूबलाइट, आप ट्यूबलाइट भी ओपन करके यहाँ स्विच बोर्ड से चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको देखेंगे तो जल रही है। ये देखिए, तो एक आपको ये तो मैंने अपना एडिशनल लगाया है, होल्डर वहाँ पे होना चाहिए। ये होल्डर देख लीजिएगा, यहाँ पे होल्डर रहेगा। उसके बाद बोला है बल्ब होल्डर, मैंने बता ही दिया वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है वॉल अलमारी, मतलब विद टू डोर, जैसे कि आपको अलमारी दी हुई होगी और ये वॉल, ये आपको दो अलमारी दी जाएगी, एक मिलती है कि दो दो मिलती है? दो मिलती है, दो अलमारी आपको मिलेगी। ये आप चेक कर लेना पहले से, क्यों? हाँ, इसको चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना, जैसे कि ऑन हो गया, क्लोज हो गया। चाबी मिलेगी तो चाबी से उन्हीं केयर टेकर के सामने क्लोज और ऑन करना, अगर क्लोज नहीं हो रहा है या ऑन नहीं हो तो उनको इन्फॉर्म करना और नीचे मेंशन करवाना और एप्लीकेशन में जरूर लिख लेना, ठीक है। दो एक रूम में दो स्टूडेंट रहेंगे और दो अलमारी आपको देखिए, दो अलमारी मतलब सब कुछ पेयर में रहेगा। हाँ, सब कुछ जितना भी रहेगा पेयर में रहेगा। अब जैसे कि मैं बोला 5 एम्पीयर जो सॉकेट बोर्ड है वो इधर होंगे, ये देखिए, ये टू आपके सॉकेट यहाँ लग जाएंगे, दो मिल जाएगी और यहाँ पे एक आपको बड़ा वाला मिल जाएगा। एक नका 5 एम्पीयर सॉकेट बोर्ड वो उधर देख सकते हैं, वो लगा हुआ पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट आपको एक नीचे मिल जाएगा, चेक कर लेना, उसमें रेड लाइट जलती हुई मिलेगी अगर लाइट होगी तो, नहीं है तो उसको बाद में सीख लेना, इसको चेक करा लेना। ये देखिए, एक आपको पावर पॉइंट भी मिल जाएगा। उसके बाद बोलते हैं कि पावर पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, वो पीछे दिखा दिया गया, और 5 एम्पीयर सॉकेट यहाँ पे दिखाई दी, यही दो होते हैं हर रूम में, ये तीन में, एक दो तीन और एक चौथा चार, बस ये चार रूम में, बस इतनी चीजें हैं, ठीक है। और इस फॉर्मेट अगर मिलता है तो देखिए, इस पे चाबी मेज के बारे में लिखा है कि चाबी संख्या एक, मतलब इस पे वन एक ही चाबी होगी, तो वो चाबी है या नहीं, जैसे कि चाबी संख्या इसमें दो होंगी, जैसे यहाँ पे टू टू लिखा है, तो मेरे पास चाबियाँ नहीं अवेलेबल थी तो इसको कटवाया है और साइन करवाया, केयर टेकर अपने साइन करेंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं, आपके पार्टनर की भी चाबी उसी समय चेक कर लीजिएगा मेज की, कि अगर चाबी उसकी भी नहीं, अगर दोनों में से कोई भी एक स्टूडेंट आया है तो दोनों चीज़ें चेक कर ले, मतलब दोनों टेबल की चाबियाँ, दोनों मैट्रेस, दोनों चेयर, दोनों अलमारी, मतलब जो भी पहले आए रूम जिसको अलर्ट हो जाए वो सारी चीज़ें चेक कर ले, है ना, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं, क्योंकि ये सब पेनाल्टी ली जाएगी आपसे। तो अब इसके नाम आप फॉर्मेट भी, अगर आपको फॉर्मेट नहीं भी मिलता तो मैंने आपको प्रॉपर चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या मतलब क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, इसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे वीडियो पे। हाँ, स्क्रीनशॉट लगा देना। तो ये चीज़ आप कंप्लीट हो गया, आप रूम ये पूरा देख लीजिए कि रूम में क्या क्या कैसे रूम आपको दिखेगा, तो ऐसे ही रूम मिलेंगे आप। और एप्लीकेशन अगर लिखना है, अगर बाय द वे इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं है तो तुरंत के तुरंत आप चीफ वार्डन के नाम एप्लीकेशन लिखें, और जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं या जो चीज़ें खराब हैं तो उसको एप्लीकेशन के फॉर्मेट में मेंशन जरूर करें कि सेवा में चीफ मान क्या बोलते हैं सेवा में श्रीमान चीफ वार्डन सर UPMS FI नर्सिंग कॉलेज, और सब्जेक्ट में डाल देना कि जो जो चीज़ें यहाँ पे इनकम्प्लीट है या नहीं है, टूटी फूटी जो भी, ठीक है। और आप चीफ वार्डन से साइन करा लेंगे, वार्डन सर से साइन कराएं तो दिक्कत नहीं होगी नोटिस करने में, और उस एप्लीकेशन पर साइन कराने के बाद उसके 3-4 जेरॉक्स करा के जरूर रख लीजिएगा, वो काम आएंगी नोटिस के टाइम, नोटिस के टाइम, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। चलिए, अब मैं अपना भी रूम दिखाता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट यही बोलते हैं सर अपना रूम दिखाइए, तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो चलिए अपने रूम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना रूम। तो ये चलिए देखते हैं, ये देखिए एक सीनेरी बना है, बहुत अच्छा है सीनेरियो, आपको दिखेगा कि ये बॉस ने बनाया था महाशिवरात्रि के दिन। तो ये चीज़ है, यहाँ से आप ऊपर छत पे भी जा सकते हैं, तो अभी आपको छत भी दिखा देंगे। ये देखिए, जहाँ से आपको एक व्यू दिखाए थे, तो मेरा टॉप फ्लोर पे रूम है, यहाँ से आप ऐसा आरओ हर जगह लगा है, हर फ्लोर पे दो दो आरओ लगे हुए हैं, तो पानी पीने में कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं होती है। ये देखिए, ये मेरे बगल का और मेरा ये रूम। तो चलिए मैं अपना रूम आप दिखाई देता हूँ, वैसे एक वीडियो में किसी वीडियो में मैंने अपना रूम दिखाया भी था। तो ये देखिए, ये मेरा रूम है, ये देखिए दो बेड है, और ये मेरा है, ये मेरे पार्टनर का, और ये मेरे बुक रूम में ज़्यादा बुक आपको दिखाई देगी। तो बुक इसलिए दिखाई दे रही है कि अभी ये अलमारी में मैं बुक रखा नहीं हूँ ना, रीज़न यही है कि सब यहीं पर बुक हैं, तो अलमारी में वैसे ये देखिए दो अलमारी भी मिलेगी, अलमारी में क्या रेंडमली सब ऐसे ही है, तो इधर भी दिखा देंगे। देखिए ये चीज़ें हैं, ऐसे सब रखी हुई हैं रेंडमली, यही सब चीज़ें हैं। तो
अभी क्या था कि सुबह थोड़ा सा किए थे, लेकिन जो भी है तो ये सब बुक हैं, काफ़ी बुक मेरे पास ज़्यादा हैं, तो यही चीज़ है सब। तो चलिए, रूम आप देख लिए होंगे और रूम के बारे में अभी एकदम पूरा आपको डिस्कस बता भी दिए थे पूरा अच्छे से। ये दो चेयर आपको मिलेगी, गोदरेज की चेयर मिलती है और गोदरेज का बेड भी मिलता है और मैट्रेस भी गोदरेज की रहती है। तो सब चीज़ प्रॉपर एकदम अपना चेक करके और जो भी है अपना अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए एक व्यू आपको रूम से बाहर दिखाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, मैं एक बार दिखाया भी था। तो ये चलिए अभी बाहर से दिखाते हैं, देखिए बाहर से व्यू कैसा आपको लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि बाहर से आपको पूरे खेत की हरियाली आपको दिखेगी। ये देखिए, ये देखिए कितना व्यू, कितना सुंदर लगता है ये, देखिए कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये व्यू एकदम गांव की फीलिंग कराएगा। गांव में है भी ये हॉस्टल ना, ये कॉलेज ही गांव टाइप में है, सैफई में है, सैफई एक गांव ही है, इटावा डिस्ट्रिक्ट का सैफई गांव है, तो इसलिए आपको ये पूरा एकदम गांव की फीलिंग आएगी। एकदम गेहूं सब बुआई हुई है, देखिए एकदम दूर दूर तक एकदम खेत ही आपको नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, चलिए आपको ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए आपको बाहर से भी दिखाते हैं और आपको रूम भी दिखा देते हैं। रूम तो हो गया आपका, ये देखिए बाहर से आपको एक पूरा व्यू दिखा देते हैं। चलिए छत पे ही दिखा देते हैं, छत से क्या क्या आपको दिखाई देगा। तो चलिए छत पे चलते हैं। अगर आप टॉप फ्लोर पे रूम लेते हैं ना तो आपको जीना काफ़ी चढ़ना पड़ता है, ये समझिए टोटल काउंट अगर जीने की बात करेंगे तो 75-76। ये देखिए पूरे आपको हॉस्टल ही हॉस्टल नज़र आएंगे यहाँ पे। एक स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम एक छोटा सा है जहाँ आप लोग अगर एडमिशन यहाँ पे लेते हैं तो देखिए यहाँ से आप खेल भी सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये चीज़ देखिए स्टेडियम है जो कि काफ़ी लोग खेल भी रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बॉलिंग हो रही है किसी के द्वारा, छोटा सा ग्राउंड है और एक व्यू पूरा आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं, हॉस्टल ही हॉस्टल आपको दिखाई देंगी पूरा यहाँ, जहाँ सभी जगह स्टूडेंट रहते हैं, यहाँ लगभग 8-9 हॉस्टल हैं और ये जहाँ पे फैकल्टी रहती है जो आपके टीचर्स रहते हैं, तो उनके भी कैंपस में ही पूरा कॉटेज दिया गया है जो उनके लिए अपार्टमेंट होते हैं, तो उनको भी इधर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये चीज़ है, तो इधर से और इधर से आपका मेडिकल कॉलेज भी दिखता है जहाँ आपकी पोस्टिंग लगती है, ड्यूटी भी लगती है, क्लिनिकल ड्यूटी जो आपकी ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ से आपको वही मेडिकल कॉलेज भी दिखाई देगा, तो उस साइड चलना पड़ेगा मुझे। चलिए आपको उधर से भी दिखाते हैं, ये बड़ी बड़ी टंकी लगी हैं जिसमें पानी आएगा, फिर पानी आने के बाद आपको पानी मिलती है। तो ये चीज़ हो जाएगा, चलिए आपको दिखाते हैं उधर से अभी कि कहाँ पे आपका मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है। देखिए अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आप इंटरनेशनल स्टेडियम भी जा सकते हैं टहलने के लिए, जैसे देखिए मैंने काफ़ी ब्लॉग में दिखाया भी है, ये आपका यहीं से दिखेगा, जूम करके आपको दिखाते हैं, जो ये आपकी लाइट दिख रही है, ये आपकी लाइट दिख रही है, तो यही है आपका इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ से काफ़ी दूर है, समथिंग में 2 किलोमीटर है आपका, लेकिन दिख रहा है जूम करने पर।
तो यहाँ भी आप जा सकते हैं टहलने। और अगर बात करेंगे कि मेडिकल हॉस्पिटल कहाँ पे है आपको, तो ये आपकी जो बिल्डिंगें आगे दिख रही हैं उसके जस्ट एक बिल्डिंग उसके आगे है। तो ये तो अभी जो कैंसर हॉस्पिटल सैफई में बन रहा था वो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसके जस्ट आगे ही है। ये जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है ये अभी है, अभी ये काम चालू ही है इसका, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे आके दिखाई देंगी, आप इंजॉय करेंगे। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इंजॉय करिए, बस कुछ नहीं है, इतना ही चीज़ करना है। पढ़ना तो बढ़िया से है क्योंकि आगे चल के भी कंपटीशन देना ही पड़ता है जॉब के लिए, तो इसलिए पढ़ना सबसे प्रायोरिटी, फर्स्ट पे तो पढ़ाई ही चाहिए, लेकिन इंजॉय भी तो होना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए हैं अब, पढ़ने के बाद तो यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो यही चीज़ें हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग फिर आपको कुछ दिखाएंगे। तो चलिए थैंक यू, आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू।